तो दोस्तों आज दोस्तों हमारे इसी मशीन का हम अब आपको बताएंगे कलेब्रेशन। तो दोस्तों उसके बाद पहले हम देखेंगे कि हमारा कलेब्रेशन में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हो कि हमारा 1 किला 5 ग्राम दिखा रहा है, इधर से आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है, इधर से देख सकते हो 1 किला 5 ग्राम। तो हम 5 ग्राम हमारा ज़्यादा दिखा रहा है, तो उसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम हमारा मशीन को ऑफ करेंगे, ठीक है, और स्विच को ऑफ कर दिया। उसके बाद हमारा MR बटन को दबाकर पावर को ऑन करेंगे। उसके बाद हम टेल बटन को दबाएंगे। उसके बाद हम फिर से टेल बटन, फिर से हम टेल बटन को दबाएंगे, फिर से आप हम दबाएंगे, फिर से दबाएंगे, फिर से हम दबाएंगे, फिर से हम दबाएंगे, फिर से हम दबाएंगे, फिर हमने दबाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर दबाएंगे दोस्तों हम, फिर दबाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर दबाएंगे। अब हमारा इधर देख सकते हो लोड दिखा रहा है, हमको लोड देने को कहता है। जब भी दोस्तों आप टेल बटन का दबाते जाइए, और जब भी आपको लोड लिखेगा तब आप वेट मशीन पे आप वेट दीजिए, ठीक है। तो अब हम हमारा 1 किला जो वेट था वो हमने चपा दिया, इधर हमने अभी भी लोड लिखा है। तो उसके बाद हम फिर से हमारा टेल बटन को प्रेस करेंगे। अब हमारा इधर 1 किला आ चुका है, तो हम MR बटन को प्रेस करेंगे। फिर हमारे इधर 1 किलो आ चुका है, उसको 0-0 कर देंगे। फिर M+ को दबाएंगे। उसके बाद उधर ऑन लिखेंगे, हमने 1 किला का वेट लिख दिया। तो हम फिर से MR दबाएंगे। MR दबाकर हमने 1 किला लिखेंगे उधर, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब एक किला, ठीक है। तो हमने इधर 1000 ग्राम लिख दिया। उसके बाद फिर से हमने टेल बटन को दबाएंगे। अब हमारा देख सकते हो इधर हमारा 0-0 हो चुका है, यानी हमारा मशीन जो है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसे हमारे टेल बटन को दबाकर माइनस को काटेंगे। अब हम वेट देखकर देखता हूँ। तो 1 किला 1 ग्राम, तो दोस्तों 1 ग्राम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन आपको अगर 4 ग्राम 5 ग्राम आ जाता है तो उसका आपको प्रॉब्लम है, आपका नुकसान है। दोस्तों अगर हमारा इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर।